क्या आपको बुखार या गले में खराश है, या फिर आपको खांसी की शिकायत है, या सांस लेने में दिक्कत हो रही है? अगर ऐसा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि भारत में इन दिनों H3N2 फ्लू का अटैक चल रहा है। बच्चे और बुजुर्ग तेजी से इस वायरल की चपेट में आ रहे हैं। H3N2 इन्फ्लुएंजा के प्रकोप ने पूरे देश में चिंता बढ़ा दी है। इन्फ्लुएंजा के मामले ऐसे वक्त पर सामने आ रहे हैं जब 3 साल बाद देश कोरोना महामारी से उभर रहा है। कोविड-19 ने जो देश में तबाही मचाई थी, वो जख्म आज तक नहीं भर पाए हैं। ना जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए। कई लोग अपनों को आखिरी बार ठीक से अलविदा भी नहीं कह पाए। इसके अलावा कोविड की रोकथाम के लिए जो देश में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगानी पड़ी, उसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा था। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि चाहे कोरोना वायरस हो या फिर H3N2 वायरस, इन दोनों के लगभग लक्षण एक जैसे ही हैं। बचाव के उपाय कोरोना जैसे ही हैं, यानी कि मास्क लगाना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना। वैसे तो हर साल इस मौसम में फ्लू फैलता है जो हफ्ते भर के अंदर सही हो जाता है, लेकिन अगर शरीर में इम्यूनिटी कमजोर और BP शुगर जैसी बीमारियां पहले से हो तो फ्लू भी जानलेवा साबित हो सकता है। फ्लू से बचें, और अगर फ्लू हो जाए तो घबराना नहीं है, बस डॉक्टर की सलाह से दवाई ले। हालांकि ऐसे में बिना लैब टेस्ट डॉक्टरों के लिए भी ये पता लगाना मुश्किल हो रहा है कि मरीज को फ्लू की वजह क्या है, कोरोना वायरस या फिर H3N2 वायरस। तो इस स्थिति में डॉक्टर की सलाह पर जांच करा लेनी चाहिए। अभी से ही अगर हम सब मिलकर सावधानी बरतेंगे तो वैसी स्थिति नहीं पैदा होगी जैसे कोरोना महामारी के वक्त हो गई थी। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो H3N2 वायरस जो लगातार फैलता जा रहा है, हालांकि इस वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सतर्क रहना है, सावधान खुद को रखना है ताकि ये वायरस जो है उसे फैलने से बचाया जा सके। देखिए, जो स्थिति हमने कोरोना वायरस के समय में देखी थी वो स्थिति वापस से उत्पन्न ना हो, ऐसे में जरूरी यही है कि आप प्रिकॉशंस जो है वो पूरी तरीके से रहे, घर से बाहर निकले तो सावधानी जरूर बरते।